So, in the last section of this steam engineering of unit number 5, we are going to discuss about the condenser, that how the condensers work. So here's the firstly start with the definition function and its advantages. What is the definition of the condenser? The condenser is a device in which steam is condensed into water at a pressure less than the atmospheric temperature. Basically, the condensation is done by removing the heat from the exhaust steam using the circulating cooling water. If we are talking about that during the condensation, that working substance changes its phases from vapor to liquid and rejects the latent heat. देखो लेटेंट हीट क्या है, एक ऐसी हीट है जब हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड को वेपर से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो एब्जॉर्ब करती है, और जब हम लोग है ना लिक्विड वेपर से लिक्विड में आते हैं तो क्या करती है, रिजेक्ट करती है। कौन सी हीट होती है ये, लेटेंट हीट को कौन सा नाम देते हैं? इस लेटेंट हीट को कौन सा नाम देते हैं? दिस लैटेंट हीट इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यार ध्यान रखा करो, जब फ्रीजिंग के लिए बात करते हैं तो लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग या फिर लैटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, एंड जब लिक्विड से वेपर जा रही है, वेपर से लिक्विड में आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ओके, सो व्हेन वी आर टॉक अबाउट द एग्जॉस्ट प्रेशर, इट इज नियरली मेंटेन्ड अबाउट 7 to 8 kPa, करस्पॉन्डिंग टू द कंडेंसेंट टेम्परेचर ऑफ 313 केल्विन। ओके, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंडेंसर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कंडेंसर फंक्शन, सो फर्स्ट द कंडेंसर फंक्शन इज टू रिड्यूस द टर्बाइन एग्जॉस्ट प्रेशर सो एज टू इंक्रीज द स्पेसिफिक आउटपुट एंड हेंस इंक्रीज द प्लांट एफिशिएंसी एंड डिक्रीज द स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन, कि हमारा जो स्टीम का कंजप्शन डिक्रीज हो रहा है उसको हम लोग क्या कर सके, उसको डिक्रीज कर सके और प्लांट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके, जिससे हमारे पास जो एग्जॉस्ट में स्टीम बाहर निकल रही है, एग्जॉस्ट में हमारे पास जो वाटर बाहर निकल रहा है, उसका जो हाई टेम्परेचर है उसको हम लोग कहाँ तक लेके आ सके, कूल टेम्परेचर के साथ तक में लेके आ सके, ताकि जो हमारा हॉट वेल है या फिर जो हमारा है ना फीड वाटर चैम्बर है, उस फीड वाटर चैम्बर से हम उसकी क्या कर पाए, प्रॉपर मिक्सिंग कर पाए। अदरवाइज ये वाटर प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाता है, और अभी तक हम लोगों ने कोई ऐसा पंप जनरेट नहीं किया है जो कि है ना इस हॉट वाटर को या फिर स्टीम, हम लोग बोले कि है ना जो हाईली प्रेशराइज स्टीम है उस स्टीम को क्या कर सके, पंप कर सके। जो स्टीम का मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। ओके, तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से स्टीम मूवमेंट कर रही है, और स्टीम मूवमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द टू कंडेंस द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द टर्बाइन एंड रीयूज इट एज प्योर फीड वाटर। इसको हम क्या कर सके, रीयूज कर सके किसकी, जैसे एज अ प्योर फीड वाटर इसको हम लोग क्या कर सके, रीहीट कर सके। इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हम इस कंडेंसर का यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट द इनेबल्स रिमूवल ऑफ एयर एंड अदर नॉन कंडेंसेबल गैसेस फ्रॉम द स्टीम, हेंस इम्प्रूव द हीट ट्रांसफर। अभी हम आगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उस क्लासिफिकेशन में आप लोग देखोगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, साथ के साथ में जो एयर है इसके अंदर या फिर एग्जॉस्ट गैसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव करते हुए चल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ताकि क्या कर सकते हैं हम लोग इजीली इसके ऊपर, इसके सिप के ऊपर हम लोग क्या कर सकें, हम इसके फंक्शन को इंक्रीज कर सकें, कैसे इसका फंक्शन और बेटर वे में चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस की, कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द कंडेंसर इनटू द स्टीम टर्बाइन साइकिल। अब बेसिकली आपने देखा होगा, चाहे वो रैंकाइन साइकिल से हम लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है, तो उन रैंकाइन साइकिल से ही हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, कंडेंसर का यूज कर रहे हैं। ओनली एंड ओनली जो हमारा बाय प्रोडक्ट पावर साइकिल था, उस बाय प्रोडक्ट पावर साइकिल में हम लोगों ने कंडेंसर का यूज नहीं किया है। उसके अलावा जितने भी हमने ना सिस्टम स्टडी करे, चाहे वो रैंकाइन था, चाहे वो रीजनरेटिव था, चाहे वो है ना रीजनरेटिव रीहीटिंग था, चाहे वो रीहीटिंग था, चाहे वो वाटर एक्सट्रैक्शन था, चाहे वो बाइनरी वेपर साइकिल था, इन सभी साइकिल्स के अंदर हम लोगों ने किसका यूज किया है, हम लोगों ने कंडेंसर का यूज किया है। मतलब इसके है ना काफी एक्सेस में एडवांटेजेस हैं, दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो हियर आर द सम एडवांटेजेस ऑफ द कंडेंसर। जो फर्स्ट वाला है सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट इंक्रीज द वर्क आउटपुट पर केजी ऑफ स्टीम सप्लाइड टू द पावर प्लांट
and it also reduces the specific heat consumption. Therefore, reduce the size of power plant of given capacity. ये देखो size बहुत matter करता है. अगर हमारा size reduce हो रहा है तो overall आप मान के चलो कि जो इसकी costing है वो costing क्या हो जाएगी हमारी reduce हो जाएगी क्योंकि land की requirement कम, ठीक है, material की requirement कम और उसके maintenance की requirement कम. ओके okay. ये सब कुछ कम हो रहा है, हम लोगों को हीट इनपुट कम करनी पड़ रही है, आउटपुट सेम मिल रहा है, तो हमको क्या मिलता है, इट इम्प्रूव द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द पावर प्लांट. ये क्या करता है, हमारे पावर प्लांट की थर्मल एफिशिएंसी को इंक्रीज करके देता है. ठीक है, इट अफेक्ट्स द सेविंग इन कॉस्ट ऑफ वाटर टू बी सप्लाइड टू द बॉयलर सिंस द कंडेंसेट इज रिटर्न्ड टू द बॉयलर. जो भी हमारा कंडेंसेट है वो वापस कहाँ जाता है, बॉयलर के अंदर आ जाता है. तो ये क्या करता है, हमारी वाटर की कॉस्टिंग को क्या करता है, सेव करता है. बट क्या रहता है बच्चे, देखो कई जगह पे हमारे पास ना ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो कंडेंसेट होता है वो बॉयलर के साथ में बॉयलर वाटर के साथ में हीटअप नहीं हो पाता है. तो ये इसका ड्रॉबैक भी है कि है ना, जो हमारे इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कंडेंसर्स होते हैं उन इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कंडेंसर्स के अंदर क्या होता है प्रॉब्लम कि वहां पर हमारा जो कंडेंसेट है वो भी वाटर के साथ चल जाता है जो कि जल्दी से इवेपोरेट नहीं होता है. अगर वो इवेपोरेट नहीं हो रहा है तो क्या कर देगा, उसको वाटर की वैल्यू को रिड्यूस करके दे देगा. मतलब हमारी जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी क्या हो जाती है, वहां पर रिड्यूस हो जाती है. तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द सरफेस टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर. ठीक है, या फिर हम बोले सरफेस टाइप ऑफ कंडेंसर. तो सरफेस टाइप ऑफ कंडेंसर क्या होता है, जिसके अंदर हमारा हॉट फ्लूड और कोल्ड फ्लूड दोनों फिजिकल कॉन्टेक्ट के अंदर नहीं आते. ठीक है, लाइक हम लोगों ने ना पढ़ा था किसके बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था रीजनरेटिव के बारे में कि रीजनरेटर हमारे पास के रीजनरेटिव हीटर जो थे वो रीजनरेटिव हीटर के अंदर भी हम लोगों ने दो पढ़े थे, एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पढ़ा था और एक इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट पढ़ा था. तो इसमें भी ये दोनों टाइप्स अवेलेबल होते हैं जिनको हम लोग अभी फर्दर स्टडी करने वाले हैं. ओके, लास्ट दैट कॉस्ट ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट इज ऑल्सो रिड्यूस सिंस द प्योर फीड वाटर इज अवेलेबल फॉर द बॉयलर. जो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बॉयलर के अंदर हैं, किसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्योर फीड वाटर को अवेलेबल करवा रहे हैं. तो हमको है ना जो हार्ड वाटर होता है, जैसे तुम लोगों ने केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर के अंदर स्टडी किया होगा, तो वो हार्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. ठीक है, तो वहां पर हमारे पास जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कंडेंसेट. ये जो कंडेंसर्स हैं इनके क्लासिफिकेशन किस अकॉर्डिंग हम लोग किए जा सकते हैं. तो मैं अगली स्क्रीन पे जाऊं उससे पहले मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं तुमको बोला कि कंडेंसर मेरा किसकी जैसे वर्क कर रहा है, ये कंडेंसर मेरा वर्क कर रहा है लाइक अ हीट एक्सचेंजर. तो इसका क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कंडेंसर. यस एनीवन, अमन ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हम लोग हीट एक्सचेंजर बढ़ चुके हैं इन द एचटी, तो समहाउ हम उससे ही इसको क्या करने वाले हैं, लिंक करने वाले हैं. तो दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है अगली स्लाइड पर जाने से पहले कि मैं इस कंडेंसर को अकॉर्डिंग टू द हीट एक्सचेंजर क्लासिफिकेशन किस पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ, एक्सेप्ट द डायरेक्ट टाइप ऑफ द कंडेंसर एंड द सर्फेस टाइप ऑफ कंडेंसर. यस, क्वेश्चंस का आंसर फ्रॉम द अमन. अंकित, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंडेंसर, सो वी कैन डिवाइड द कंडेंसर इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द फ्लो we divide the condenser into the three categories. First one is the parallel flow condenser, second one is the counter flow condenser, and third one is the cross flow condenser. So what do you mean by the parallel flow, counter flow and the cross flow? What do you mean by the parallel flow, counter flow and the cross flow? यहाँ पर हमारा कोल्ड फ्लूड, हाँ एक ही दिशा में जा रहा हूँ सर, वो पैरेलल फ्लो.
यार बीइंग इंजीनियर ना एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही दिशा में. डायरेक्शन एनकाउंटर सर अपोजिट हो दोनों. यस, जहां हमारा हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड, कोल्ड फ्लूइड इज आवर कंडेंसेट ठीक है, एंड द हॉट फ्लूइड इज आवर वेपर, वेपर और स्टीम विच इज एग्जॉस्टेड बाय द स्टीम टर्बाइन ठीक है. उसको हम लोग कहाँ भेज रहे हैं, उसको हम लोग है ना हमारे कंडेंसर के अंदर भेज रहे हैं. अगर दोनों की सेम डायरेक्शन है इट्स कॉल्ड द पैरेलल फ्लो. अगर इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है इसको कहते हैं हम काउंटर फ्लो. अगर एक दूसरे से ना क्रॉस करते हुए जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस फ्लो. कूलिंग एक्शन के अकॉर्डिंग इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है सेवरल पार्ट के अंदर. अमंग ऑफ दैम वन पार्ट इज जेट कंडेंसर, जेट कंडेंसर लो लेवल पैरेलल फ्लो जेट कंडेंसर, लो लेवल काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर. Why we are taking it as a low flow, low level? Because in the parallel flow there is a heat का जो rejection होता है वो काफी है ना time बाद होता है, काफी इसके अंदर mixing create करनी होती है. हम इसको small power plant के अंदर use कर सकते हैं, that's why it's called the low level. Okay, next one is the high level jet condenser, ejector jet condenser. और अगर हम बात करें किसके बारे में, नॉन मिक्सिंग टाइप के बारे में, लाइक जो हम बात कर रहे हैं सरफेस कंडेंसर्स के बारे में, वी हैव द फोर फाइव टाइप्स ऑफ द सरफेस कंडेंसर. फर्स्ट वन इज द डाउन फ्लो, सेंट्रल फ्लो, इन्वर्टेड फ्लो, इवेपोरेटिव टाइप एंड रीजनरेटिव टाइप. रीजनरेटिव का बेसिक मीन हमेशा ध्यान रखना जहां पर हीट का यूज हम लोग किसको यूज कर लें, किसी एक्सटर्नल पार्ट को हीट करने के लिए यूज कर लें, या फिर फीड वाटर को हीट करने के लिए उस एनर्जी का यूज कर लें, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीजनरेटिव कहते हैं. ध्यान रख के चलना जहां पर रीजनरेटिव का मतलब आ जाए वहां पर रीजनरेशन का एक ही मतलब है कि वापस से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रीजनरेट कर रहे हैं हमारी वैल्यूज को. आओ इनके बारे में एक एक करके इनके डायग्राम के साथ में बात करते हैं कि कैसे ये हमारे हीट एक्सचेंजर वर्क कर रहे हैं. ओके चलो तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में.